Good morning, everybody. Once again, we start our math session, lesson number 1, integers. Okay, you know what is integers? Integers are the combination of that positive numbers, 0 and negative numbers. Okay, yesterday I am giving some questions for homework. Question number 7 and 8 is homework yesterday, and I hope you completed that question number 7 and 8 in your copy. And today's date is 14th April 2020, exercise 1A, question number 9, we have to start today. Ronak rode on a roller coaster. He was at Ronak rode on a roller coaster means Ronak is the name of the person. Okay, Ronak एक बच्चा है जो roller coaster में बैठा हुआ. आपने देखा होगा मेले जाते हैं बच्चे एक झूले में बैठते हैं. आप बैठते होंगे इस roller coaster में. ये roller coaster up down जाता है. जैसे ऊपर जाएगा तो ये value plus हो जाती है और जैसे नीचे आएगा तो value क्या हो जाएगी आपकी minus. ठीक है. तो जब he was at an elevation of 55 meter above the mean sea level when he started the ride, जैसे उसने ride start करी उसका सी लेवल से ऊपर कितना गया 55 मीटर गया. ठीक है. और जब वो इसमें बैठा हुआ था तब देयर इज सम चेंजेस. नेचुरल सी बात है चेंजेस होगा क्योंकि झूला आपका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो जब ऊपर जा रहा है 412 मीटर, नीचे आ रहा है 125, फिर ऊपर जा रहा है 272, फिर नीचे आ रहा है -343, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे फिर ऊपर. ये प्रोसीजर ऐसा चलता रहेगा. ठीक है. व्हाट हिज His elevation relative to the mean sea level at the end of the ride. मतलब झूला ऊपर नीचे करते करते लास्ट में जब झूला ऊपर नीचे करते रुक जाता है तो वो elevation relative आपको निकालना है. ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे required elevation relative to the mean sea level equal to, पहले कितना था आपका 55 मीटर ऊपर गया इसलिए आपने प्लस लिया, फिर उसके बाद क्या है 412, फिर -125. क्यों आया माइनस में? क्योंकि वो नीचे गया. +272, -343, +490, -640, +50. ओके. और ये जो प्लस प्लस वाले टर्म्स है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं. 55 प्लस 412 प्लस 272 प्लस 490 प्लस 50. ओके. एंड -125, -343, -640, ये जो प्लस प्लस वाले नंबर है इन सबको आपस में प्लस कर दीजिए तो आपका सम आएगा 1279. और ये जो माइनस 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 की जो तीन नंबर है इन तीनों को आपस में प्लस कर दीजिए लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का. ओके. क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन किसका रहता है? माइनस का. इन दोनों को माइनस करेंगे तो 171 मीटर अबव सी लेवल आ जाएगा आपका आंसर. ओके. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. द बेस ऑफ द हवाइन वॉल्केनो मोना लो इज अबाउट 13,000 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल से अगर नीचे की बात करें बिलो द सी लेवल करेंगे तो 13,000 मीटर है और अगर आप अबव कर रहे हैं तो 4170 मीटर है. ओके. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम. इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो यू हैव टू सिंपली एड. आप उनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1770 मीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. एन एलिवेटर इज 12 मीटर बिलो द ग्राउंड से बिलो ग्राउंड से नीचे. ओके. नीचे है 12 मीटर. ओके. नीचे जब आ रहे हैं तो वो कितना बोल रहा है? 12 मीटर. एंड इट डिसेंड टू द पॉइंट 100 मीटर बिलो द ग्राउंड. डिसेंड टू द पॉइंट 100 मीटर बिलो द ग्राउंड तो कितना चेंज आ रहा है? तो वो चेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि पहले तो 12 था फिर वो और बिलो गया 100 तो इसको आपने माइनस किया, दैट इज -88 मीटर. ओके. दिस एक्सरसाइज इज फिनिश एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. ओके. मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स मीन्स हाउ टू मल्टीप्लाई द इंटीजर्स. ओके. जैसे आपने प्लस वन लिया इंटू प्लस वन लिया, अगर प्लस प्लस लेंगे तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, दैट इज वन इंटू वन इज वन. लेकिन वन इंटू माइनस टू करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस टू. ओके. जैसे माइनस टू इंटू माइनस टू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. और टू टू जा फोर. रिमेंबर इट, जब भी किसी भी इंटीजर कोई भी नंबर की इंटीजर की अगर पावर जो है आपके पास में इवन है, जैसे टू है फोर है सिक्स है एट है, ऐसे इवन है, किसी की पावर अगर इवन है तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है. और अगर किसी की भी पावर अगर थ्री है फाइव है इवन ही ऑड है,
अगर ऑड है तो उसका आंसर हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर की पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, और किसी की भी पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, ऐसे ही हम इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स। लेट अस टेक एग्जाम्पल, जैसे माइनस फाइव इंटू थ्री करा, माइनस क्योंकि ये माइनस था, फाइव थ्री सा कितना होता है 15। जैसे माइनस टू इंटू माइनस थ्री करा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, टू थ्री सा कितना हो जाएगा 6। दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन में क्या था, प्लस लगाना था क्योंकि एडिशन लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन वाली है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल वन इंटू टू करिए या टू इंटू वन करिए, आंसर क्या आएगा टू। जैसे थ्री इंटू फोर करिए या फोर इंटू थ्री करिए, आंसर क्या आएगा आपका 12। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आपने एडिशन वाले रूल में क्या किया था, आपने जीरो नंबर लिया था, आइडेंटिटी जीरो था वहां, तो किसी भी नंबर में आपने जीरो को प्लस किया तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। तो इसमें हम जीरो नहीं ले सकते क्योंकि किसी भी नंबर में आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप वन वन मानेंगे, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, वन कंसिडर करते हैं वन। ओके, दैट इज ए इंटू वन करेंगे या वन इंटू ए करेंगे तो आंसर हमेशा ए आएगा, मतलब ए क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये आपका इंटीजर हो गया। ओके, एग्जाम्पल वन इंटू थ्री करिए, थ्री इंटू वन करिए, आंसर नंबर आएगा, दैट इज थ्री आपका नंबर है। जैसे आपका वन इंटू माइनस फाइव करिए या माइनस फाइव इंटू वन करिए, आंसर हमेशा नंबर, दैट इज माइनस फाइव। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वहां पे हमने क्या किया था, थ्री इंटीजर्स लिए थे ए बी एंड सी, तो एडिशन था तो प्लस का साइन आया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। जैसे आपने तीन इंटीजर्स लिए तो a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। जैसे आपने फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पर लास्ट के दो में ब्रैकेट। एग्जाम्पल वन इंटू टू इंटू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे लास्ट टू ब्रैकेट करिए। अब सॉल्व करेंगे, वन टू जा टू इंटू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री मतलब सिक्स। और आपको पता है पहले हमेशा क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं उसमें बोर्ड मार्क्स रूल्स जो आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मार्क्स में बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। ओके, इसलिए ब्रैकेट सॉल्व पहले किया जाएगा। टू थ्री जस सिक्स, वन सिक्स जस सिक्स, देखो सिक्स इक्वल टू सिक्स आ गया, इट इंडिकेट्स कि हमारा आंसर करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी आपकी। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में आती है, मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे इंटीजर्स आपने ए बी सी लिया, जैसे ए इंटू बी प्लस सी, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे आपने तीन इंटीजर लिए, जैसे ए की जगह वन लिया, बी की जगह टू लिया और सी की जगह पे आपने थ्री लिया, तो देखो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ए की जगह पे वन इंटू टू प्लस थ्री, वैल्यू पुटअप करिए, वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री, तो वन इंटू ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टू प्लस थ्री फाइव, वन टू जा टू प्लस वन थ्री जा थ्री, तो वन फाइव, वन इंटू फाइव मतलब वन फाइव जा फाइव और टू प्लस थ्री फाइव, देखो फाइव इक्वल टू फाइव आ गया। दिस इंडिकेट्स इट इज करेक्ट एंड हेंस दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ दिस सेशन इज कंप्लीटेड एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज वन बी। आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज वन बी, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू इन योर ग्रुप। Just revise it, go through the exercise, and if doubt, I will clear when the school reopens. Or you can, if so much doubts are there, no problem, you can write the questions in my
नंबर. थैंक यू.